बहुत ही बड़ी खबर नेपाल के लिए, और ये जुड़ी हुई है नेपाल को विकासशील से विकसित की ओर ले जाने की ओर। और ये खबर जो यहाँ पे इंक्लूड होती है वो यूएन यानी कि यूरोपियन संघ से जुड़ी हुई है, जिनसे अभी अपडेट का मानना है कि बहुत बड़े फैसले लिए जाने वाले हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम कम्प्लीटली जानेंगे कि आखिरकार कौन यहाँ पे नेपाल के अंदर यूएन से भेजा गया है, और ये जो आए हैं वो नेपाल के लिए क्या क्या फ़ायदे कर सकते हैं, किन किन मुद्दों पर बातें कर सकते हैं, ये भी बड़ी बात हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे कि आखिरकार किस तरह की मीटिंग होंगी और उसमें किस किस निवेश के बारे में बात करी जाएगी, ये सारी बातें। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी यूएन ने, चाहे वो नेपाल की आर्मी को ओफंड करना हो, नेपाल की आर्मी के ऊपर यहाँ पे विश्वास करना हो, दिखाए हैं कदम। और यहाँ तक कि उसका जो हम कह सकते हैं कि गिव बैक होता है, वो भी नेपाल की आर्मी ने अच्छा करके दिखाया है। इसके साथ साथ कई और मुद्दे जहाँ पे हम फाइनेंशियल कंडीशन की बात कर सकते हैं, जहाँ पे हम पैसे की बात कर सकते हैं, उसमें भी यूएन ने काफ़ी ज़्यादा मदद करने में सहायता की है। लेकिन अभी जो हो रहा है वो और भी अजब और भी गजब हो रहा है। यूरोपियन संघ यानी कि ईयू ने कहा है कि यहाँ पे नेपाल को निवेश लेने में मदद करने की हमारी जिम्मेवारी है और हम इसे आगे बढ़ाएंगे। नेपाल में यूरोपियन संघ के राजदूत यानी कि वेरोनिक लोरेंजो ने कहा है कि नेपाल में यूरोपियन निवेश लाने के लिए अगले सप्ताह पर एक मीटिंग बिठाई जाएगी, जो कि काठमांडू में होगी, और ईयू नेपाल ट्रेड फोरम किया जाएगा। नेपाल और यूरोपियन संघ के बीच राजनीतिक संबंधों की स्थापना की आज 50वीं वर्षगांठ है, यानी कि 15th एनिवर्सरी है ये। और इसी के अवसर पर गुरुवार को काठमांडू में आयोजित एक स्वागत समारोह में अपने संबोधन में राजदूत लोरेंजो ने कहा है कि फोरेन की दूसरी बैठक यहाँ पे 15-16 मई को काठमांडू में रहेगी। नेपाल के विदेश निवेश घंटे को यहाँ पे संबोधित करा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि नेपाल में निवेश से संभावित क्षेत्रों पर चर्चा के लिए यूरोपियन संघ के देशों में कंपनियां बैठक में भाग लेंगी। राजदूत ने आगे ये भी कहा है कि 2026 में कम से कम विकसित देशों की सूची से बाहर निकले लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है, और इसके लिए आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर पैदा करना आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, जो यहाँ पर ये रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार यूरोप से बहुत सी कंपनियाँ नेपाल में आ सकती हैं, और ये कंपनियां अलग अलग तरह के बिजनेस स्टैब्लिश कर सकती हैं, अलग अलग आइडियाज़ ला सकती हैं, और जिसकी बदौलत ना केवल नेपाल की इनकम बढ़ेगी बल्कि इससे जो नेपाल में रहने वाले लोग हैं उनको रोज़गार भी बढ़ेगा। हम जानते हैं कि नेपाल के बहुत से लोग विदेशों में काम करने के लिए जा रहे हैं बिकॉज उन्हें रोज़गार के अवसर देश में नहीं प्रोवाइड हो रहे हैं। जिस तरह से यूरोपियन संघ ने ये बातें करी हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को साबित करने की कोशिश करी है, बखूबी ऐसा लग रहा है कि वो किसी न किसी बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं, और इससे वो बहुत बड़ा बदलाव देख भी सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि यूरोपियन संघ ने जो कार्य किया है या फिर करने की जो सोची है उसमें कुछ बदलाव बड़ा हो सकता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना टाइम, कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।